विशाल बाकी आप चले होगा तो रुक गए आ डायलॉग सर तो कल मैं बक्स से क्या देने के लिए आप नहीं होते तो आज इनका बचना मुश्किल हो जाएगा तो डॉक्टर पापा भी खतरे से बाहर हैं जी खतरे से बाहर लेकिन अगले एक दो दिन तक स्टिक बैटर्स करना होगा अब मैं उससे डर कर भागने वाली नहीं मुझे पता है तारा मेरी जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे परिवार की तरफ भी है और इन 6 साल मैंने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई है बस हो गया मैं वार्निंग मांगूंगी पापा नहीं मांगूंगी और अब ना मुझे अगस्त से डर भी नहीं लगता वेल फिर एक बात नई चाल और मतलब किसी को शक भी नहीं हुआ मतलब पाकी को शक भी नहीं हुआ है जो गलत फहमी आई थिंक उसी का जो है एक बेनिफिट ले रहे हैं जो पाकी को गलत फहमी है क्या कुछ किया ईशान ने इन बात 6 साल पहले उसने बहुत बड़ी गलत फहमी डाल दी थी पाकी के दिमाग में 6 साल उसने उसके घर वालों को झेला एंड देन अब फाइनली जब आसपास आने वाले थे उनकी बेटी उनको वापस लाने वाली थी ईशान ने एक और चाल चली और उन दोनों को फिर से थोड़ा दूर कर दिया अच्छा पाकी ने किस तरह से ये होने दिया कि ये आपकी और पाकी की बेटी है ईशान मतलब ये क्या क्योंकि क्योंकि पाकी को सबसे ज़्यादा डर किससे है अगस्त्य से अगस्त्य से इतनी ज़्यादा नफरत करती है कि उसने कुछ बोला नहीं फॉर अ वाइल कि चलो इससे अगर एक बार बचता है तो बचने में ओके तो अगस्त तो पूरे टूट चुके हैं और अब क्या कुछ ईशान किस तरह से ये जो ड्रामा जारी रखने वाले हैं अगस्त ने जैसे ईशान को एक बार तोड़ा था वैसे ईशान अगस्त को भी तोड़ रहा है धीरे धीरे एंड लेट्स सी आगे क्या होता है आई गेस उसी बेटी के थ्रू ही शायद दोनों पास में आए और शायद और भी ज़्यादा दूर चले जाए अच्छा लास्टली लीव के बाद जहाँ तीनों एक साथ दिख रहे हैं सीक्वेंस भी पूरी फैमिली है एज ऑडियंस ऑब्वियसली वॉन्ट टू सी पाकी एंड अगस्त्य टुगेदर एंड दिस इज द फर्स्ट सीन वी आर वी थ्री आर टुगेदर सो या वेरी हाई वोल्टेज ड्रामा है तारा के सामने भी बहुत यू नो शॉकिंग न्यूज आने वाली है सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग एपिसोड और अब मैं अगस्त्य से डर कर भागने वाली नहीं हूँ बस बहुत हो गया और शायद यूनिवर्स भी यही चाहता है कि मैं यहीं रुक कर अगस्त्य का सामना करूं Give the look of comfort, I am there for you. And sir, मेरी तारा, उसकी चिंता मत करिए। अगस्त्य को मेरी तारा तक पहुंचने के लिए मुझसे गुजरना होगा। वो मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा।